हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स। एंड आई नो कि आप लोगों का सबका डाउट था कि जो जीएसआई में जो फर्स्ट पेपर आता है, जीएस वाला पोर्शन, वो कैसे कवर करें। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है बिकॉज ऑब्वियसली अभी ऑलमोस्ट 10 डेज ही बाकी हैं, तो आई वुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। और आई थिंक इतना भी कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, बिकॉज जो भी मैं बताने वाली हूँ मैंने लास्ट के ही, आप ये मान सकते हो कि लास्ट के 10 डेज में ही किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे के पूरे 10 दिन मैंने ये दिए थे, लास्ट के जो 10 डेज थे उसमें मैं मेरी केमिस्ट्री भी रिवाइज़ कर रही थी एंड साथ साथ में ही मैंने ये जीएस वाला पोर्शन किया था। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या किया था, और अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। मैं जो आपको अभी बताने वाली हूँ, जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं सिर्फ उसी से आए हैं, मैंने उसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ओके। तो इतना आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैंने कुछ अलग किया हुआ, कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ताकि इनकेस थोड़ी बहुत भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट ओनली केमिस्ट्री, जो भी बाकी ब्रांचेस भी हैं, तो उनके लिए क्या है कि सबके लिए ही 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट वन इज़ पेपर 1 ऑफ जनरल स्टडीज, जो कि हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन होता है, हर किसी का सेम सिलेबस होता है। एंड सेकेंड पेपर इज़ केमिस्ट्री। फर्स्ट पेपर जो होता है वो मॉर्निंग सेशन में होता है ऑफ 2 आवर्स, सिमिलरली पेपर सेकंड इवनिंग सेशन में होता है, जो कि वो भी 2 आवर्स का होता है, ओके। एंड पेपर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 होता है हमारे 300 मार्क्स का, और दोनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी ईच क्वेश्चन पेपर 2 में ज़्यादा मार्किंग होती है, आई गेस 2.5, और इसमें थोड़ी कम होती है। तो अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन दूं तो जनरल स्टडीज़ में सिर्फ हमें उतना ही करना है कि फेल ना हो हम, ठीक है। और केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आप एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स गेन कर रहे हो, और पेपर 1 में तो एक जो क्वेश्चन है बहुत कम मार्क्स का हो जाएगा, आई थिंक 1 से भी कम होगा। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। आई नो जनरल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, बट जनरल स्टडीज़ हो जाएगी, मैं अभी अब बताती हूँ क्या क्या करना है। तो केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। बट फिर भी फर्स्ट पेपर में भी लाने हैं, जितना जिसकी अगर जीएस अच्छी है तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। बट हाँ, साइंस वाले स्टूडेंट्स की होता है ना कि सबकी ही एवरेज होती है, तो इतना डरने वाली बात नहीं कि बहुत ही बड़े बड़े कोई इधर उधर से कोई स्टूडेंट्स आएंगे, भाई सब हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ आता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अब है पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम पेपर 1 के बारे में ही बात करने वाले हैं, जनरल स्टडीज़ के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करने वाले, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। और ये जो जनरल स्टडीज़ वाला पेपर होता है कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स, यानी चाहे वो केमिस्ट्री का हो, जियोलॉजी का हो, किसी का भी हो, सबके लिए सेम पेपर आता है। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग आता है, केमिस्ट्री वालों के लिए अलग से आता है, ओके। और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQ आता है। तो इसका सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है GSI में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें आपने ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऑल्दो मैंने करंट अफेयर्स नहीं की थी, मतलब आई वॉज वेरी पुअर इन करंट अफेयर्स, मतलब सच बोलने में कही है, नहीं था मुझे इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा शौक नहीं था कि भाई हाँ मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ूँ, तो बहुत पुअर थी इसलिए मैंने करंट अफेयर्स छेड़ी नहीं थी उस टाइम। बट हाँ, अभी जैसे मैंने पेटेंट ऑफिसर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, तब मैंने देखा था कि करंट अफेयर्स के ना, जैसे यूट्यूब चैनल पर होता है हर मंथ की करंट अफेयर्स आती हैं, और वो मैंने जब देखी थी तो इट वॉज़ लाइक यार हाँ हो सकती है करंट अफेयर्स, अगर मैं मतलब मेरी जीके बहुत ख़राब सी थी, तो अगर वो मैं जब मंथली वाली देखती थी तो हो जाता था कि 3-4 बार देख ली वीडियो तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती थी, याद हो जाती थी। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि लास्ट की, जैसे फैब में पेपर होने वाला है, तो आप लास्ट 4 to 5 मंथ्स आप करंट अफेयर्स की मंथली वीडियो देख लीजिए,
यूट्यूब चैनल से, कोई भी एक चैनल से, आई थिंक एक करंट अफेयर्स अपडेटेड है, तो उससे आप मंथली करंट अफेयर्स देख लेना 4 से 5 महीने की, तो हो जाएगा। उससे 7-8 क्वेश्चन भी आ जाएँ तो मस्त, मतलब मस्त काम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है मैंने ये येलो करना भूल गई, इसमें इंटरनेशनल वगैरह, मतलब ये नाम ऐसे बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पता ही नहीं कितनी यूपीएससी वाली इनटू डीप चली जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जस्ट करंट अफेयर्स की यूट्यूब से 4-5 महीने की वीडियो कर लेना, ठीक है, मोर देन सफिशियंट। नहीं करनी है तो भी कोई बात नहीं, मेरा काम चल गया था, मैंने करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट मत छेड़ना, क्योंकि ये होता है ना सागर है जो आप कभी एक ग्लास भी नहीं पी, एक ग्लास पियोगे उसमें से थोड़ा सा भी नहीं आएगा, तो इसलिए मत छेड़ना, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया द वर्ल्ड, सुनने में मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है तो इसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप इसको टच भी करो, क्योंकि बहुत वास्ट है और पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसलिए इट्स बेटर टू लीव एंड सेव योर टाइम। नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें क्या है कि ये मैंने की थी, क्या था कि लास्ट के मेरे पास एक बुक थी हुई, तो उसमें जस्ट कंसाइज वे में दिया हुआ था 5 to 6 पेजेस, उसमें जैसे लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट कौन है, कितना टेन्योर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस सिस्टम का चीफ कौन है, या फिर अटॉर्नी ऑफ जनरल की कितनी मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट के लिए, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो वो आप लोग कर सकते हो। बुक नहीं तो आप ये कर सकते हो कोई यूट्यूब से, होता है ना कि एक छोटा सा मैराथन होता है पॉलिटिक्स के लिए 4-5 घंटे का, जितना का भी आप वो देख लेना, क्योंकि मेरे को याद है 19th को पेपर था और मैंने शायद केमिस्ट्री हो गई थी मेरी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी पॉलिटिक्स देख लेती हूँ, तो मैंने देख मतलब वो बुक थी कैसे थी, आई डोंट नो कैसे थी वो मेरे पास, तो मैंने फिर वो देख ली थी और शायद 2 या 3 बार पढ़ी होगी मैंने, और उसमें से ना मतलब 5-6 क्वेश्चन हो गए थे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार 5 to 6 क्वेश्चन होना है, मतलब बड़ी बात है ऑब्वियसली, तो और इसमें ना मतलब सिर्फ याद करने वाली बात होती है और इतनी टफ वाली बात नहीं होती कि ईयर्स याद करने पड़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि हाँ प्रेसिडेंट 5 साल के बाद चेंज होता है, प्राइम मिनिस्टर ये है ये है, थोड़ा सा आप रिलेट कर पाते हो। हिस्ट्री वाली ऐसे होती है कि यार इतने सारे पुरानी चीज़ें की डेट्स याद करना, वो होता है ना कि हम रिलेट नहीं कर पाते, बट पॉलिटिक्स आज के दिन हो रही है, मान लो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ है, तो मे बी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। इंटरेस्ट से क्या लेना देना है, हमें एग्जाम निकालना है, तो आप थोड़ा पढ़ लेना अगर पढ़ पाओगे, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स की थी जस्ट 5 to 6 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं की थी, ठीक है, तो मेरे 5 to 6 क्वेश्चंस हो गए थे। अगर आपको मिले कोई यूट्यूब से वीडियो तो आप मैराथन देख सकते हो 5 to 6 आवर्स का। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये ब्ला ब्ला छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट इज जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये जो मैंने येलो किया हुआ है ना, सिर्फ मैंने ये किया था, ओके अब स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या करना है। फर्स्ट इज जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की, ये जो आपने देखी होगी ना बुक्स, हमने सबने पढ़ी है, तो ये सिर्फ दोनों बुक्स खरीद लेना, खरीद पाओ तो इट्स गुड, नहीं भी खरीद पाओ कोई बात नहीं है, नेट से अपनी PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है मैंने बुक खरीदी नहीं थी, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि मेरे को याद है मेरे पास PDF है सबकी, तो मैंने PDF से पढ़ा था, और हाँ सिर्फ इतना ही है, 9th और 10th कर लेना। इसमें भी एक बात और आती है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका बायो का थोड़ा ठीक ही होता है ऑब्वियसली, 9th जब उन्होंने 11th 12th में पढ़ी है तो 9th 10th वाली थोड़ी बेसिक ही लगेगी, तो वो इजीली कर लेते हैं। नॉन मेडिकल वाले सोचते हैं कि बायो के कैसे नाम याद रहेंगे, तो उनके लिए मेरा सजेशन है सारे चैप्टर्स मत करना, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आती है ना, जाइलम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा वगैरह वगैरह, ये जो क्या है पोरीफेरा प्लेटी हेलमेंट्स, सॉरी ये तो उसमें आ गया, तो जो प्लांट्स वाली चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, बट कुछ
दो तीन चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हार्ट में क्या है, लंग्स में क्या है, तो ये चीज़ आप खुद से रिलेट कर पाओगे, तो आप वो चीज़ कर लेना, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट इज, ये थे सिर्फ जनरल साइंस में, इन दो बुक से आपका सब हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है, जो हमने थर्ड वाला पोर्शन था ना, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अब ये जो टॉपिक है वो आपको अलग से किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जो हमारी आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक लेना, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऑनलाइन NCERT जाना, वहाँ पे आपको कॉलम्स दिखते हैं कौन सी क्लास की कौन सी बुक आपको डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पे आप 12th क्लास की बायो की बुक ये होती है, इसमें अगर जब आप जाओगे तो लास्ट यूनिट है यूनिट 10th, जिसमें आपके ये चार चैप्टर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये चार चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना, लिख के दे लो, मतलब मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। इवन आप ये चार चैप्टर्स पढ़ के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे ना, तो यू विल रियलाइज कि हाँ, डिट्टो इन्हीं चैप्टर्स में से सब कुछ आया हुआ है, ओके। तो ये चार चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से कर लेना, और ऐसा नहीं है कि इसमें रटने का कुछ है, रटने का कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल सी बातें हैं, BOD क्या होता है, ये बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब, और ये जैसे फूड चेन में कैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, सनलाइट की कितनी परसेंट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो सिर्फ यही चीज़ें हैं जो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो जस्ट आपको फटाफट से हाफ एन आवर में आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार चैप्टर्स कर लेना, मोर देन सफिशियंट, इसमें से आपके 10 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स। जो मैंने पॉलिटिक्स में क्या किया था, वही जो मैंने चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन इनका टेन्योर कितना होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, इसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, और कुछ लाइक अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स होते हैं ना कि इम्पोर्टेंट वाले, मे बी 10-20, तो वो वाले आर्टिकल्स आप याद कर सकते हो अगर चाहते हो तो। मैंने नहीं किए थे, बट जैसे एक मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो एक दो आर्टिकल्स आए हुए हैं, वो भी अगर आपको टाइम मिले तो, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। इसके बाद पॉलिटिक्स में क्या था, बस इतना ही था, तो आपको कोई मैराथन देख लेना, इतना बहुत है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से मतलब होता है ना कि GS पार्ट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब मेन होता है ना कि ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सो फर्स्ट इज सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स वगैरह, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, रेड प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, देन ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, किस पे मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा। एंड अभी जो स्पेस मिशंस हो रहे हैं ना, जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, तो ये थोड़ा सा अगर आप कोई ऐसा नहीं है कि आप हम कहाँ से देखेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं ना मैं बता रही हूँ, सोलर सिस्टम है जैसे, तो सोलर सिस्टम आप यूट्यूब पे टाइप करना, एक वीडियो मैक्सिमम 2 वीडियो, अदरवाइज एक ही वीडियो कोई अगर आपको अच्छी मिल जाएगी तो उसमें वो एक ही वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में सब कवर करवा देते हैं जो GS के पेपर में आता है, ओके। देन स्पेस मिशंस जो भी हो रहे हैं वो अगर आप करंट अफेयर्स करोगे ना तो उसमें हो जाएंगे, जैसे चंद्रयान 3 का आ जाएगा, कब लॉन्च हुआ था, कब लैंड हुआ था, कौन सा इसमें लॉन्चिंग व्हीकल था, तो यूट्यूब पे जस्ट टाइप करने हैं आपको सोलर सिस्टम, उसके बारे में सब आ जाएगा आपको। देन नोबेल प्राइजेस, इस ईयर के जो जिस मान लो आप 2024 में एग्जाम होने वाला है ना, तो लास्ट ईयर 2023 में जो नोबेल प्राइजेस मिले हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इससे लास्ट ईयर भी देख लेना, ओके। और अगर आप देख पाओ कि फर्स्ट नोबेल लॉरेट कौन था इंडिया से, इंडिया में और किसको मिला हुआ है, तो आप ये देख सकते हो, अदरवाइज नोबेल प्राइज लास्ट ईयर के और करंट ईयर के पता होने चाहिए। देन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन होल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, क्या होती है,
कौन सी रेडिएशन आती है ग्लोबल वार्मिंग में, कौन सी रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, देन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी मेजर गैस है, कितना पोर्शन होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सब चीज़ें हैं, ये भी आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिखना एटमॉस्फेरिक लेयर्स, आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा। एरोप्लेन्स हैं कहाँ, कौन सी लेयर में फ्लाई होते हैं, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है, देन जो हमारी रेडियो कम्युनिकेशन है कौन सी लेयर में होती है, क्लाउड्स कौन सी लेयर में फॉर्म होते हैं, तो आप एक यूट्यूब वीडियो खोलोगे तो उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो, विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, कौन सी लेयर में विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, देन ये सब चीज़ें। और एलोयज जो होते हैं, मान लो जो स्टील है वो कौन कौन से मेटल आयन से बना होता है, या फिर कॉन्स्टेंटन, ब्रास, ब्रॉन्ज, तो ये सब एलोयज आप थोड़े जो होते हैं ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना कि हाँ ये एलोयज जो है मेजर पार्ट कवर करता है, तो 7-8 है तो आप देख लेना, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैंने तो किया नहीं था, मैंने तो बल्कि आपको जो चीज़ें हैं सोलर सिस्टम, स्पेस मिशंस, नोबेल प्राइजेस, ये सब मैंने नहीं किए थे, मैंने सिर्फ किया था पॉलिटिक्स के वो 5-6 पेजेस एंड देन ये चारों चैप्टर्स एंड ये दोनों बुक्स, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। एंड मैंने अभी थोड़ा सा काउंट किए थे मेरे मार्क्स, तो मेरे मार्क्स आई थिंक 43-44 आए थे, इसीलिए बोल रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह में कहीं मेरे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके एडिशन में करंट अफेयर्स भी कर लेते हो जैसे मैंने नहीं किए थे, तो 50 तक मार्क्स, अदरवाइज 40 तो आने ही आना है इतना करने के बाद। ठीक है, और इतने की ही ज़रूरत होती है, अगर मेरे 42 आने के बाद सेकेंड रैंक आ सकती है तो ऑब्वियसली मतलब इतना सफिशिएंट होता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ही सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते, मतलब सीधी सी बात है। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स पेपर 1, और इतना सफिशिएंट है। ओके, सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल मेक वीडियो टू हैव लाइक हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, और मे बी एनी अदर वीडियो। सो अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ओके, सो टाटा, बाय बाय, एंड मैंने ये स्लाइड भी बनाई थी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड टाटा।